जी, हम बात कर रहे थे शीतल महात्रे की कुंडली को लेकर, तो क्या इन ये जो कुंडली होती है, समझिए कि ये शीतल महात्रे का एक विवाद चल रहा है, तो ये जो विवाद है ये किसी एक ऐसे नेता पर छलकता है, फिर बात सुनील प्रभु की करे या विनोद घुसाड़कर की करे या उद्धव ठाकरे की करे, क्या एक किसी शख्स की कुंडली कुछ अनेक लोगों के ऊपर परिणाम करती है? देखिए, ये संगठन में काम करती हैं जी, एक बात आप समझ के लीजिए कि ये संगठन में काम करती हैं, और जब आप किसी संगठन में काम करते हैं तो उस संगठन के मुखिया तक को आपकी कुंडली इफेक्ट करती है 100%। जब आप मेरे से पूछते हैं कि शरद पवार और विलासराव देशमुख या पृथ्वीराज चौहान जो भी कांग्रेस के, उनकी कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली इफेक्ट करती है, नहीं तो गाड़ी आगे ही नहीं चले। जैसे हम शादी की बात करते हैं तो शादी में बिजनेस कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी और यहाँ तक कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, सोशल कंपैटिबिलिटी देखते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रख के हम शादी अलाउ करते हैं कि आप शादी कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह एक व्यक्ति जब संगठन ज्वाइन करता है, उस संगठन में वो जिस पदवी पे होता है उसके अच्छे या बुरे ग्रह ग्रह या कर्म आप पार्टी को डेफिनेटली असर करते हैं। जैसे